यहाँ पर राजधानी लखनऊ में देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था और यूपी के कई हिस्सों में 3 दिन तक ये मौसम इसी तरह से बना रहेगा। 2 दिनों की बारिश में किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। गेहूं और तिलहन की फसल को नुकसान हुआ है। प्रभावित जिलों में जिलाधिकारियों को निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। लखनऊ के पश्चिमी यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है और प्रभावित जिलों में जिलाधिकारियों को निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देर रात से ही लखनऊ में तेज बारिश हो रही है, यह जानकारी सामने आ रही है। मौसम एक बार फिर से मौसम में बदलाव हुआ है तेज बारिश की वजह से और पारा भी नीचे आ गया है। तेज बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। मौसम अगले 3 दिन तक इसी तरह से यूपी के कई हिस्सों में बना रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? देर रात से ही जिस तरह से तेज बारिश जो है वो लखनऊ और आसपास के इलाकों में देखी जा रही है, किस तरह की परेशानियां लोगों को सामने फेस करनी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल शांतनु, इन दिनों अगर राजधानी लखनऊ के मौसम की बात करी जाए तो लगातार जो मौसम में है वो बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कभी धूप निकलती है, कभी छांव। और जिस तरीके से देखिए, अगर बात करी जाए आज राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से बारिश का मौसम कह सकते हैं कि रात से ही बना हुआ था और अब तेज़ बारिश जो है वो राजधानी के कई इलाकों में हो रही है। और इसको लेकर देखिए लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ लोग अपने वाहनों की लाइट जलाते हुए सड़क पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कई लोग हाथों में छाता लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, एकाएक बारिश होने से शांतनु जो दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा वो किसानों के लिए होती है। पश्चिम यूपी में देखिए जिस तरीके से किसानों के सामने एक बड़ी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि देखिए गेहूं और तिलहन की फसल पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए की किसानों को मदद करने के निर्देश दिए थे। उसी के साथ साथ अधिकारियों से ये भी कहा था कि जहाँ पर लोगों के मकान ढहे हैं, जहाँ पर फसलों का ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका तत्काल आकलन कराया जाए और उन सभी की मदद कराई जाए। अभी भी जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने तमाम विभागों में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ पर किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है उसका तत्काल आकलन कराएं और जो भी किसान हैं उनकी मदद कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से।